सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में। एंड गाइस चारों के चारों फोन्स 5G होने वाले, तो आपको नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इन फ्यूचर को भी लेके, फ्यूचर प्रूफ आप कह सकते हो इन डिवाइसेस को, तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड गाइस देखो, रेडमी नोट 10 जैसे जो अच्छे खासे डिवाइसेस थे 15,000 रुपये के अंदर, कंप्लीट पैकेज जिन्हें कहते हैं हम लोग, तो उन फोन्स को मैं नहीं रखने वाला आज की लिस्ट में, क्योंकि आज की जो लिस्ट है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है उन मतलब उनके मुकाबले। एंड गाइस देखो, पहले ही मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इनमें से एक फ़ोन ऐसा है जो कि गाइस आपको बजट से थोड़ा सा बाहर जाने वाला है, मीन्स आप कह सकते हो 15,000 से थोड़ा सा ऊपर है, आपको 16-17, 16,500 के अंदर मिलता है। बट अगर आप कार्ड वार्ड लगाते हो या फिर आप किसी ऑफर का वेट करते हो, देन आपको वो फ़ोन भी 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइज़ हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलते गाइज़ अपने नंबर 4 के डिवाइस के ऊपर, ठीक है, जो कि होने वाला है अपना रियलमी 9 5G। एंड गाइज़ मैं बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो कमाल के स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं इसके अंदर। एंड बट फिर भी इसको मैंने नंबर 4 पे रखा है, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते गाइज़ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.5 की आपको एक IPS LCD मिलती है इसके अंदर। एमुलेट डिस्प्ले किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं मिलते गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइजेशन करना ही पड़ेगा। 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 240Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलते हैं। ओवरऑल गाइस आपको टच डिले वगैरह किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलती। प्रोसेसर की बात करूँ तो Dimensity 810 का प्रोसेसर है, जो कि गाइस मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, एंड 5G भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। एंड बात करूँ गाइस इसके बैटरी की, तो 5000mAh बैटरी है, प्लस में आपको 18W का चार्जर मिलता है। ओवरऑल गाइस देखो, आपको बैटरी अच्छी मिलती है बट चार्जर थोड़ा सा स्लो मिलता है, तो आपको 1.5 घंटे चार्ज करने में लग जाएंगे आप यूँ कह सकते हो, या 1 घंटा 30-40 मिनट तो अप्रॉक्स जाएगा ही जाएगा। तो अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग कैमरा की। तो 48MP का आपको कैमरा मिलता है बैक साइड में, एंड 16MP का जो कैमरा आपको फ्रंट साइड में मिलता है। तो देखो गाइस, मैं इतना डीपली स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल मैं ऊपर से स्पेसिफिकेशंस प्लस डिवाइस का नाम बता रहा हूँ, बट अगर आपको कोई सा भी इनमें से पसंद आता है तो आप उसके डिटेल स्पेक्स वीडियो टॉप पे देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, देन आप ही परचेज करना, आप मेरे कहने पे मत करना। मैंने आपको नंबर 1 का फ़ोन बता दिया तो आप जाके खरीद लो, ऐसा मत करना गाइस। आपको डायरेक्ट जाना है, मतलब आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह की वीडियोस देखनी है, रिव्यूज़ देखना है कैसा फ़ोन है, देन आप परचेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गाइस मैं ओवरऑल ऊपर से बता देता हूँ, 48MP का आपको बैक साइड में कैमरा मिलता है, 16MP का आपको फ्रंट साइड में मिलता है। तो कैमरा मेरे हिसाब से गाइस काफ़ी तगड़ा है, कैमरे में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ोन के। BGMI ग्राफिक्स की बात करूँ तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है आपको इस फ़ोन के अंदर। तो ओवरऑल गाइस गॉड लेवल का फ़ोन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो अब गाइस बात करते हैं अपने नंबर 3 के डिवाइस के बारे में, पर जो कि होने वाला है मोटो G62 5G, ठीक है। एंड गाइस ये 5G फ़ोन है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैंने आपको पहले ही बताया सारे के सारे फ़ोन 5G है। बट इस फ़ोन को मैंने इस 4th नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर जो एंड्रॉयड मिलता है गाइस, आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है मोटो के फ़ोन्स के अंदर, एंड इनके जो इनका जो एक्सपीरियंस होता है एकदम क्लियर होता है, आपको मज़ा ही आ जाएगा यूज़ करके। तो ओवरऑल मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ, तो 6.5 की एक IPS LCD मिलती है इसके अंदर, 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 240Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। ओवरऑल गाइज ये कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज है, मतलब गेमिंग के लिए आपको कोई भी कमी नहीं है इसके अंदर, 120Hz मिल जाता है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है 120Hz, बट फिर भी मतलब मान लो मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 240Hz मिल जाते हैं टच सैम्पलिंग रेट। तो ओवरऑल मल्टी टचिंग वगैरह, टच डिले वगैरह आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 695 प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट है, एंड खतरनाक है गाइस। एंड इसके अंदर जो मैंने आपको बताया एडवांटेज, आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है जिसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है अदर UI से अच्छी है, ठीक है। जैसे ये परफॉर्मेंस आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वैसे एट द एंड लास्ट में भी वैसे ही परफॉर्मेंस रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपको अपडेट देके डिक्रीज़ कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। बैटरी की बात करूँ तो 5000mAh की बैटरी, 20W का चार्जर आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि जो इतना कॉम्प्रोमाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है ये ड्यू टू 5G है, ठीक है। 5G के चक्कर में आपको इनको कॉस्ट कटिंग ये लोग कर रहे हैं, दैट्स वाई ये चार्जिंग में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं कर दे रहे हैं, कभी कहीं कर दे रहे हैं। तो
ये सारी जो प्रॉब्लम है ये 5G की वजह से हो रही है, जिसके वजह से आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन मिल रहे हैं करने को, ठीक है। BGMI ग्राफिक्स की बात करूँ तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, एंड यहीं पे एक दिक्कत मेरे को लगी गाइस, ठीक है। ओवरऑल गाइस फ़ोन काफ़ी ख़तरनाक है। तो अब चलते हैं गाइस अपने नंबर 2 के डिवाइस की तरफ, जो कि होने वाला है अपना टेक्नो पोवा 5G। एंड गाइस देखो, ये जो दो डिवाइसेस होने वाले हैं एंड जो पिछले दो डिवाइसेस हैं, उन दोनों में आपको 40 FPS का सपोर्ट मिलता है, एंड जो अगले दो डिवाइसेस हैं इन दोनों ही के अंदर आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो गाइस इस समझ लो गाइस दोनों ही फ़ोन काफ़ी ख़तरनाक होने वाले हैं। तो बात करते हैं टेक्नो पोवा 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डिस्प्ले की बात करूँ तो गाइस 6.9 इंचेस की आपको एक IPS LCD मिलती है, 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है इस फ़ोन के अंदर, 240Hz का आपको एक टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो कि गाइस मैंने आपको बताया आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है, गेमिंग के अंदर इतना मिनिमम होना ही चाहिए। 20K के अंदर जितने भी फ़ोन्स आते हैं उनमें 360 मिल जाता है आपको, बट 240Hz आपको बहुत ठीक रहता है, ऐसा नहीं कह सकते कि कम है। तो अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में। तो Dimensity की तरफ से आने वाला 900 का प्रोसेसर मिलता है, Dimensity 900 5G का चिपसेट है, 5G चिपसेट होने वाला है। साथ ही में गाइस परफॉर्मेंस की बात करूँ, नो डाउट बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर की। बैटरी की बात करूँ तो गाइस 6000 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब आपको गाइस काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है देखने को। 18W का आपको चार्जर मिल जाता है, जिससे आपकी गाइस मान लो 2.5 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाले चार्जिंग में। हाँ तो गाइस इतना कॉम्प्रोमाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको 15000 में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की गेमिंग करनी है आपको 18W का चार्जर मतलब मिलेगा ही, तो 2.5 घंटे आपके कहीं नहीं जा रहे चार्ज करने में, 2 घंटे मान के चलो मिनिमम, ठीक है गाइस। बात करूँ कैमरा की तो 50MP का आपको कैमरा मिलता है बैक साइड में, एंड 16MP का कैमरा आपको मिलता है फ्रंट साइड में। ओवरऑल गाइस देखो कैमरा की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी ठीक ठाक ही मिल जाती है, ऐसा कह सकते हो आप, ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम टॉप नॉच लेवल की, बस प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए काफ़ी बढ़िया है इसका कैमरा, ठीक है। BGMI ग्राफिक्स की बात करूँ तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। तो ओवरऑल गाइज ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है 15000 रुपये के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको 18W का चार्जर मिलता है, क्योंकि 6000mAh की बैटरी है तो चार्ज करने में टाइम तो लगेगा ही, बस एक ये सिंगल डिसएडवांटेज है, अदरवाइज ये गाइज एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो 15000 रुपये ये प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए। तो अब चलते गाइज अपने नंबर 1 के डिवाइस की तरफ। तो अपना जो नंबर 1 का डिवाइस होने वाला है गाइज़ ये है Infinix Zero 5G। एंड गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इसकी प्राइसिंग की बात करो तो 16500 रुपये से 17000 के बीच में रहती है, बट अगर आप कार्ड वार्ड लगाओगे तो ईजिली आपको 15000 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगा ये फ़ोन, ठीक है। बात करो गाइज इस फ़ोन के बारे में तो ये काफ़ी ख़तरनाक फ़ोन मेरे को लगता है इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर गाइज आपको डिस्प्ले मिलती है 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस LPTS डिस्प्ले। LPTS डिस्प्ले मतलब एक IPS LCD ही आप समझ लो, आपको क्वालिटी में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली। बात करूँ गाइज 120Hz का आपको टच रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड 240Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो ओवरऑल गाइज डिस्प्ले में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, गेमिंग को लेके काफ़ी ख़तरनाक डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर। बात करूँ गाइज प्रोसेसर की तो MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 900 का प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर, एंड मैंने आपको बताया Dimensity 900 बहुत ख़तरनाक प्रोसेसर है, मतलब 15000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर गाइज आप अगर आपको ये प्रोसेसर मिलता है तो काफ़ी ख़तरनाक फ़ोन है, मतलब समझ लो आप, ठीक है। रैम टाइप की बात करूँ LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल गाइज ख़तरनाक मतलब पैकेज आपको मिल जाता है, आपको इसके अंदर किसी भी टाइप की कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं देखने को मिलती। 5000mAh की बैटरी है, 33W का चार्जर मिलता है। ओवरऑल मतलब आपको मैंने बताया कि इसके अंदर चार्जर भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। 48MP का आपको कैमरा मिलता है बैक साइड में, एंड 16MP का आपको फ्रंट साइड में कैमरा मिलता है। तो वही बात है ना गाइस, इसकी जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस काफ़ी ख़तरनाक रहने वाली है। बट UI की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको Infinix का UI मिलेगा, जो कि वो ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम बकवास है, डिसेंट है, आपको अच्छी खासी गेमिंग करा देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं बात करूँ BGMI ग्राफिक्स की तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है। तो खैर गाइज यही थे कुछ फ़ोन्स, एंड अगर आपको इनमें से कोई सा भी फ़ोन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।